बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए एक कांग्रेस नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के ऊपर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। आपको बता दें, कांग्रेस से बीजेपी में आए बलवीर सिंह तोमर की पत्नी वार्ड 19 से पार्षद प्रत्याशी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी के इशारे पर उनके पुत्र के छात्र जीवन में दर्ज 7 मामलों में जिला बदर और रासुका लगाने की तैयारी की जा रही है, जो कि गलत और दुर्भावनापूर्ण है। हमारा कहना ये है कि भाजपा में जब तक व्यक्ति रहता है तभी तक वो जो है शुद्ध और पाक साफ रहता है। आज बलवीर सिंह तोमर जी जो पूर्व पार्षद हैं और वो भाजपा से कांग्रेस में आए, उनकी श्रीमती जी को कांग्रेस ने 19 नंबर वार्ड से टिकट दी। कांग्रेस में आकर के हमारी पत्नी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अवधेश तोमर उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिकल कॉलेज से किया, पोस्ट डिप्लोमा ने स्पोर्ट्स किया, नेट क्वालिफाइड है और जीवाजी यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों तक असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्य भी किया।